तो गाइस ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू अब अपनी ड्रिप गोकू की फॉर्म में आ जाता है, पर वेजिटा को इस पर यकीन नहीं होता। अब कौन सा ही ड्रिप गोकू पर अपने पावरफुल अटैक करती है, मगर गोकू उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट और कौन सा ही आपस में झगड़ा करने लगते हैं, मगर गोकू उन्हें रोकता है। इसके बाद गोकू कोनसई को इरेज कर देता है। ये देख के ग्रैंड प्रिस्ट काफी गुस्सा होता है और गोकू पर हमला करता है, मगर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट को भी इरेज कर देता है। इसके बाद गोकू वेजिटा और विश को हील कर देता है और दुनिया को वापस लाने की कोशिश करता है, मगर गोकू के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देख के सभी हैरान हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो दोस्तों आज इस स्टोरी का फाइनल एपिसोड है। ओके, तो जितना हो सके वीडियो को उतना प्यार देना और वीडियो को पूरा देखना और लाइक से भर देना। ओके, और आज के वीडियो को कमेंट से भर दो ताकि हम इसका एंड एक्सेप्ट कर सकें। और सबसे जरूरी बात, सब्सक्राइब के बटन को दबा देना। ओके, और अपने कमेंट में ये भी लिख देना कि इसके बाद आप कौन सी स्टोरी रेगुलर देखना पसंद करोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गोकू अब जमीन पे गिर जाता है। वेजिटा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, कैकरोट क्या हुआ तुम्हें, कैकरोट उठो। वेजिटा गोकू को बहुत ही आवाज लगाता है, मगर गोकू कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वेजिटा विश से कहता है, विश कैकरोट को क्या हुआ। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा गोकू के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही है, मुझे लगता है कि ये अब नहीं रहा। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो, ये कैसे हो सकता है, कैकरोट ऐसे मर कैसे सकता है बिना किसी वजह के, मुझे नहीं लगता कि वो मरा है। विश कहता है, शांत हो जाइए लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, तुम अपने स्टाफ से इसे हील करो अभी इसी वक्त। अब विश गोकू को हील करने की कोशिश करता है, मगर गोकू की बॉडी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। वेजिटा कहता है, क्या हुआ। विश कहता है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा कहता है, एक बार और ट्राई करो। विश अब फिर से कोशिश करता है और गोकू को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू की बॉडी में कोई हलचल नहीं होती। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा ये अब नहीं रहा। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है कि तभी आसमान में एक रोशनी आती है और वो रोशनी गोकू की बॉडी में अपना पूरा जोर लगाती है, जिससे गोकू की बॉडी तेजी से जाने लगती है। वेजिटा ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है, विश ये क्या हो रहा है, कैकरोट की बॉडी कहाँ जा रही है। विश कहता है, मैं नहीं जानता लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा और विश गोकू की बॉडी की तरफ उड़ने लगते हैं, लेकिन गोकू की बॉडी की स्पीड काफी तेज होती है। वेजिटा कहता है, विश ये तो काफी ज्यादा तेज है, इसे पकड़ो। विश अब पूरी तेजी से जाता है, मगर गोकू की बॉडी काफी तेजी से जाती है। तभी गोकू की बॉडी जमीन में गिरती है। अब विश और वेजिटा ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरोट की बॉडी अपने आप मूवमेंट कैसे कर रही है। विश कहता है, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वेजिटा कहता है, ये पक्का वही शख्स कर रहा है। विश कहता है, कौन सा शख्स लॉर्ड वेजिटा। तभी वेजिटा बताता है, कैकरोट ने मुझे बताया था कि कोई ऐसा शख्स है जो कैकरोट की पावर को कंट्रोल कर रहा है। विश कहता है, ऐसा कौन हो सकता है लॉर्ड वेजिटा जो गोकू की बॉडी कंट्रोल कर रहा है। वेजिटा कहता है, मैं ये नहीं जानता विश, क्योंकि कैकरोट ने जल्दबाजी में कुछ नहीं बताया, पर मुझे पता चल गया था कि वो शख्स कैकरोट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विश कहता है, तब तो और भी बड़ा खतरा आने वाला है लॉर्ड वेजिटा। ये सुनकर वेजिटा कहता है, अब खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो विश, मैं उसका सामना करूंगा भले ही मुझे मरना पड़े, क्योंकि मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही पाने के लिए, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं इस दुनिया में राज करूंगा, मगर ऐसा कोई नहीं बचा जिस पर मैं राज कर सकूं। विश कहता है, मुझे माफ करना लॉर्ड वेजिटा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सका। तभी एकदम से एक रोशनी गोकू की बॉडी के पास आती है। वेजिटा शॉक होकर कहता है, विश ये क्या है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा इसी रोशनी की वजह से गोकू की बॉडी मूव कर पा रही है। तभी वो रोशनी गोकू की बॉडी में पूरा फोर्स लगाने लगती है। वेजिटा कहता है, इस रोशनी को कोई कंट्रोल कर रहा है विश। विश कहता है, मुझे भी यही लगता है लॉर्ड वेजिटा। तभी एकदम से गोकू की बॉडी में इतना ज्यादा फोर्स लगता है कि गोकू की बॉडी
जमीन को तोड़ते हुए निकल जाती है और हवा में बहुत ही तेजी से उड़कर चली जाती है। तभी वेजिटा काफी तेजी से उड़कर गोकू के पास जाता है। अब विश भी वेजिटा के पीछे पीछे उड़ने लगता है। वेजिटा कहता है, विश तुम उस रोशनी को संभालो, मैं कैकरोट की बॉडी का पीछा करता हूँ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। तभी विश उस रोशनी की तरफ तेजी से उड़कर जाता है। वेजिटा अब उड़ते हुए गोकू से टेलीपैथी कनेक्ट करने की कोशिश करता है और कहता है, कैकरोट क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम अभी भी जिंदा हो कैकरोट? अगर हाँ तो मुझे कुछ इशारा दो, बस एक इशारा दो कैकरोट, उसके बाद मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैकरोट कुछ तो सिग्नल दो। तभी हमें दिखाया जाता है एक अजीब सा डायमेंशन ओपन होता है और वो डायमेंशन एक प्लैनेट के जैसा दिखाई देता है। तभी विश भी वेजिटा के पास आ जाता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा मैं आ गया। वेजिटा कहता है, तुम इतनी जल्दी आ गए विश, क्या तुमने उस रोशनी को खत्म कर दिया? विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। अब गोकू उस डायमेंशन वाले प्लैनेट में काफी तेजी से गिर रहा होता है। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा क्या आपको कुछ पता चला कि गोकू की बॉडी कहाँ जा रही है? वेजिटा कहता है, नहीं विश, मुझे बस एक सिग्नल मिल जाए कि वो जिंदा है या नहीं। ओ कम ऑन कैकरोट, कुछ तो करो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तभी गोकू की ब्रेन में कुछ लोगों की यादें आती है और हमें गोकू के सबसे करीबी लोगों की तस्वीरें दिखने को मिलती है जिन्हें गोकू आखिरी टाइम में याद करता है। तभी अचानक से गोकू को कुछ सेकंड के लिए होश आता है और गोकू अपने लोगों को याद करके स्माइल करता है। अब ये वेजिटा देख लेता है और काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है, विश मिल गया इशारा, कैकरोट अभी भी जिंदा है। तभी वेजिटा और भी तेजी से उड़ने लगता है। अब गोकू की बॉडी उस प्लैनेट में चली जाती है और वेजिटा और विश भी उस प्लैनेट में चले जाते हैं। अब वेजिटा को गोकू की बॉडी दिखाई नहीं देती। वेजिटा कहता है, विश कैकरोट कहाँ गया? विश कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता लॉर्ड वेजिटा। तभी उनके सामने से काले रंग का धुआं आने लगता है। वेजिटा कहता है, कौन हो तुम? तुम सामने आओ। इसके बाद उस धुएं से हमें इविल गोकू आता नजर आता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट ये तुम्हें क्या हुआ? इविल गोकू के फेस में एक स्माइल होती है। वेजिटा समझ जाता है कि वो गोकू नहीं है। विश कहता है, गोकू क्या तुम ठीक हो? वेजिटा कहता है, विश वो कैकरोट नहीं है। तभी इविल गोकू स्माइल करके कहता है, सही कहा तुमने, मैं कैकरोट नहीं हूँ। वेजिटा कहता है, कौन हो तुम और कैकरोट कहाँ है? तभी इविल गोकू हंसने लगता है। वेजिटा कहता है, विश इसके बाल कभी लाल कभी काले क्यों दिखाई दे रहे हैं? विश कहता है, मैं भी यही पहली बार देख रहा हूँ लॉर्ड वेजिटा। तभी इविल गोकू कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें, मेरे बाल जब काले होते हैं तब मैं इविल होता हूँ और जब मेरे अंदर इविल खुशी ज्यादा होती है तब मेरे बाल लाल हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम कितने इविल हो। अब ये बताओ कि कैकरोट कहाँ है? इविल गोकू कहता है, वो अब नहीं रहा और उसकी बॉडी अब मेरे पास है। वेजिटा कहता है, ओ तो वो तुम ही हो जिसके बारे में कैकरोट ने मुझे बताया था। इविल गोकू कहता है, हाँ मैं वही हूँ और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वेजिटा कहता है, नहीं कुछ खत्म नहीं हुआ, कैकरोट अभी जिंदा है। इविल गोकू कहता है, तुम शायद पागल हो चुके हो, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हुआ है। गोकू की बॉडी मैं ले चुका हूँ, उसके अंदर मैं हूँ इविल गोकू। वेजिटा अब गुस्से में कहता है, तू झूठ बोल रहा है। तभी विश वेजिटा से कहता है, रुक जाइए लॉर्ड वेजिटा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इविल गोकू कहता है, तुम्हारा एंजल कितना समझदार है। विश कहता है, ठीक है तुम इस लड़ाई को जीत चुके हो तो अब तुम क्या करने वाले हो? इविल गोकू कहता है, मुझे तुम अच्छे लगे इसलिए मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ रहा हूँ और अब ये दुनिया बिल्कुल जीरो हो चुकी है, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो अब मैं अपनी नई दुनिया की शुरुआत करूँगा जहाँ पर सभी इविल्स होंगे। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है। इविल गोकू कहता है, यहाँ पर अब इविल का ही राज होगा, सभी के करप्ट वर्जन यहाँ होंगे। अब विश सीरियस फेस बना लेता है और कहता है, ऐसा करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? इविल गोकू कहता है,
मुझे जाना तो अपने टाइमलाइन में था, मगर इस टाइमलाइन की दुनिया खाली रहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इस वर्ल्ड को बुराई से भर देना चाहता हूँ। तभी विल गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, अब दुनिया फिर से शुरू होगी। तभी वेजिटा बीच में बोलता है, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा। इविल गोकू अब हंसने लगता है। तभी वेजिटा इविल गोकू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वेजिटा हिल नहीं पाता। वेजिटा कहता है, ये क्या, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, विश ये क्या हुआ मुझे। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा मैं भी नहीं हिल पा रहा। तभी इविल गोकू अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक काफी तेज रोशनी पूरे स्पेस में छा जाती है। गोकू अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है, अब यहाँ होगी अंधेरे की दुनिया। तभी वेजिटा कहता है, नहीं रुक जाओ, और आसमान में एक तेज रोशनी छा जाती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरा मल्टीवर्स अब वापस आ चुका है। इविल लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग जिंदा हो चुके हैं। गोकू के सभी लोग भी अब वापस आ चुके हैं। वेजिटा को ये लगता है इविल गोकू अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। तभी इविल गोकू कहता है, ये क्या हुआ, ये वाली दुनिया वापस कैसे जिंदा हो गई, मैंने तो एक डार्क मल्टीवर्स क्रिएट किया था। वेजिटा इविल गोकू की बातें सुनकर कहता है, ये क्या बोल रहा है विश। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है, मगर मुझे अब पूरे मल्टीवर्स की एनर्जी सेंस हो रही है। वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इविल गोकू कहता है, इतनी बड़ी मिस्टेक मुझसे कैसे हो सकती है, चलो ठीक है, अब मैं दोबारा से इस दुनिया को खत्म करके अपनी दुनिया बनाऊंगा। तभी इविल गोकू अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो। विच कहता है, लॉर्ड वेजिटा वो मल्टीवर्स को फिर से इरेज करने वाला है। वेजिटा पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है और कहता है, क्या ये ऐसा नहीं कर सकता, रुक जाओ तुम। तभी इविल गोकू स्माइल करके कहता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तभी इविल गोकू फिर से एक तेज रोशनी निकालता है, लेकिन अब दुनिया में कोई बदलाव नहीं होता। इविल गोकू कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही। वेजिटा कहता है, विश क्या उसने मल्टीवर्स को इरेज कर दिया। विच कहता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा। तभी इविल गोकू कहता है, ये मुझे आज क्या हो रहा है। तभी इविल गोकू की बॉडी से गोकू की आवाज आती है, ये सब मैं कर रहा हूँ इविल गोकू। इविल गोकू कहता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है। वेजिटा भी कहता है, ये तो कैकरोट की आवाज है। विच कहता है, हाँ माय लॉर्ड। अब हमें इविल गोकू के अंदर गोकू नजर आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूँ। इविल गोकू कहता है, तुम क्या कह रहे हो। गोकू कहता है, अब तुम्हारी बॉडी पर मेरा कंट्रोल है। इविल गोकू कहता है, तुम मुझे डार्क मल्टीवर्स बनाने से नहीं रोक सकते। गोकू कहता है, तुम्हें क्या लगा कि इस मल्टीवर्स को तुमने गलती से जिंदा किया है, इसे मैंने जिंदा किया है। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विश तुम मुझे कुछ समझाओगे कि ये क्या हो रहा है। विश स्माइल करके कहता है, लॉर्ड वेजिटा गोकू की बातों से तो यही लग रहा है कि गोकू ने इविल गोकू की बॉडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है और उसने पूरे मल्टीवर्स को ही जिंदा कर दिया। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, इसका मतलब ये काम इविल गोकू ने नहीं बल्कि कैकरोट ने किया है। विच कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा। वेजिटा अब स्माइल करके कहता है, इसका मतलब जीता वो नहीं बल्कि जीते हम हैं, और कैकरोट ने पूरे मल्टीवर्स को वापस लाने का रास्ता ढूंढ लिया था। विच कहता है, यस माय लॉर्ड। इविल गोकू कहता है, तुम क्या कह रहे हो, हमारे बीच एक डील हुई थी कि मैं तुम्हें शक्तियां दूंगा तो तुम अपनी बॉडी मुझे दोगे, अब तुम अपने वादे से पीछे हट रहे हो। गोकू कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपना वादा पूरा किया क्योंकि मेरी बॉडी मैंने तुम्हें दे दी है, अब हमारा हिसाब बराबर हो चुका है और अब मैं ये सब अपनी दुनिया को बचाने के लिए कर रहा हूँ। इविल गोकू कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी इविल गोकू अपनी रेज में आ जाता है और गोकू से अपनी बॉडी का कंट्रोल छीनने की कोशिश करता है। इविल गोकू कहता है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है कि मैं यहाँ का छोटा मोटा विलन हूँ, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते,
तभी इविल गोकू अपना कंट्रोल फिर से पा लेता है और कहता है, हाँ मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये देख के वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, विश ये चल क्या रहा है, ये इविल गोकू फिर से अपने कंट्रोल में आ गया क्या। इविल गोकू कहता है, अब ठीक है, मुझे लगता है कि नई बॉडी लेने की वजह से ऐसा हो रहा है, चलो अब मुझे अपना काम करना चाहिए। तभी इविल गोकू फिर से अपना हाथ बढ़ाता है, मगर तभी गोकू फिर से उसे कंट्रोल कर लेता है और कहता है, मैं इतनी जल्दी तुमसे हारने वाला नहीं। इविल गोकू कहता है, तुम फिर से आ गए, लगता है तुम्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने में समय लगेगा। गोकू कहता है, तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। तभी इविल गोकू फिर से रेस में आ जाता है। अब गोकू टेलीपैथी से वेजिटा और विश के साथ कनेक्ट करता है। गोकू कहता है, विश वेजिटा जल्दी से मेरी बॉडी को खत्म कर दो। वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेजिटा कहता है, विश क्या तुम्हें कुछ सुनाई दिया। विश अब सीरियस फेस बनाकर कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, क्या आपको भी कुछ सुनाई दिया। गोकू कहता है, ये मैं बोल रहा हूँ गोकू। वेजिटा एकदम से शॉक होकर कहता है, ये तो कैकरोट ही बोल रहा है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, जल्दी से पूछिए गोकू कहना क्या चाहता है। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरोट, हम तुम्हें सुन रहे हैं, कहो। गोकू कहता है, मैंने सबको जिंदा कर दिया है और अब मेरा इसकी बॉडी पर ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं रहेगा, तो तुम्हें मेरी बॉडी को खत्म करना होगा। वेजिटा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कैकरोट। विश कहता है, इससे तो तुम मारे जाओगे गोकू। गोकू कहता है, वेजिटा तुम्हें ये करना ही होगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। वेजिटा कहता है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करने वाला। विश कहता है, गोकू तुम तो हमारे दोस्त हो, भला हम तुम्हें कैसे मार सकते हैं। तभी इविल गोकू और रेज में आ जाता है। गोकू कहता है, वेजिटा तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं, अगर मुझे नहीं मारा तो ये फिर से इस मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। वेजिटा अब टेंशन में आ जाता है। गोकू कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने इविल को छोड़कर सभी को जिंदा कर दिया है। विश अब गोकू की बात ध्यान से सुनता है। गोकू कहता है, तुम्हें अब मेरी बॉडी को खत्म करना है, उसके साथ साथ ये भी खत्म हो जाएगा और फिर तुम्हें पता ही है कि इसके बाद क्या करना है। विश अब गोकू की बात समझ जाता है। विश वेजिटा से कहता है, लॉर्ड वेजिटा गोकू सही कह रहा है, आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा गोकू ने सभी को जिंदा कर दिया है, यानी कि अब सुपर शेनरून भी वापस जिंदा हो चुका है। ये सुनकर वेजिटा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो। विश कहता है, हाँ लॉर्ड वेजिटा, इसके बाद हम गोकू को आसानी से वापस जिंदा कर पाएंगे। वेजिटा कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है। तभी विश गोकू से कहता है, गोकू इस एविल को मारने के लिए हमें ताकत की जरूरत होगी। गोकू कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बॉडी की सबसे लो पावर तक इसे ले जाऊंगा, तुम लोग आसानी से इसे मार पाओगे। विश कहता है, तो फिर ठीक है लॉर्ड वेजिटा, रेडी रहिए। वेजिटा कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ। तभी गोकू उस एविल को बिल्कुल ही लो पावर तक ले जाता है, जिससे एविल गोकू कमजोर हो जाता है। वेजिटा अब अपनी एनर्जी बॉल चार्ज करता है और गोकू पर मारने वाला होता है कि तभी वेजिटा कहता है, मुझसे ये नहीं होगा। गोकू वेजिटा से कहता है, नहीं वेजिटा, तुम्हें ये करना ही होगा, हम सेंस हैं और हमारा बलिदान ही दुनिया को बचाने के काम आता है। याद करो तुमने माजिन बू के साथ क्या किया था, याद करो मैंने सेल के साथ क्या किया था, हमने अपने आप को हर बार सैक्रिफाइस किया है ताकि दुनिया में शांति छा सके, तो चलो। अभी वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में आ जाता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए है कैकरोट। तभी इविल गोकू कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब वेजिटा इविल गोकू को हाई बोल मार देता है। इविल गोकू अब चिल्लाता है, नहीं रुक जाओ, तुम मुझे नहीं मार सकते। और इविल गोकू अब इरेज हो जाता है और उसके साथ गोकू भी इरेज हो जाता है। अब वेजिटा जोर से चिल्लाता है, कैकरोट। विश कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड वेजिटा, हम उसे वापस ले आएंगे। वेजिटा अब शांत होकर कहता है, विश चलो अब घर चलते हैं। लॉर्ड वेजिटा, चलिए अब हम चलने के लिए रेडी हैं।
तो बताइए कि आप पहले कहाँ जाना चाहोगे, अपने प्लैनेट या फिर अर्थ पर। वजीटा कहता है, कहीं भी ले चलो मगर मुझे अभी यहाँ से ले जाओ। विश कहता है, जी माय लॉर्ड। इसके बाद विश वजीटा को सीधा अर्थ पर ले जाता है। अब विश कहता है, वो देखिए लॉर्ड वजीटा, आपकी बुलमा आपका वेट कर रही है। वजीटा बुलमा को देखता है और विश से कहता है, विश अब तुम जा सकते हो। विश कहता है, मुझे कहाँ जाना चाहिए लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, वही अपने होम प्लैनेट यानी कि लॉर्ड पीरस के प्लैनेट पर। विश कहता है, जैसा आप कहो लॉर्ड वजीटा। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। अब वजीटा बुलमा के पीछे आता है और उसका सर पकड़ लेता है। बुलमा कहती है, अरे कौन है तू, छोड़ मेरे सर को। वजीटा कुछ भी बोलता नहीं। बुलमा कहती है, तू शायद जानता नहीं कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी पत्नी हूँ, अगर जान लेगा तो इधर कभी दिखाई नहीं देगा। तभी वजीटा हल्का खांस कर कहता है, तुम्हें गैस करना भी नहीं आता क्या। अब बुलमा वजीटा को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, वजीटा तुम यहाँ। वजीटा कहता है, मुझे तो लगा कि तुम मुझे देखकर गले लगा लोगी। तभी बुलमा इमोशनल होकर वजीटा के गले मिलती है। मगर तभी बुलमा गुस्से में कहती है, भला ऐसे कौन मिलता है, मेरी गर्दन टूट जाती तो। वजीटा कहता है, ट्रंक्स कहाँ हैं। बुलमा बताती है, ट्रंक्स तो गोटेन के पास है। तभी वजीटा गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैंने कितनी बार उसे समझाया है कि कैकरोट के बेटे के साथ ना घूमे, वरना उसकी आदतें ट्रंक्स में भी आ जाएगी। तभी बुलमा कहती है, गोकू नहीं आया, वो कहाँ है। वजीटा कहता है, कैकरोट अब नहीं रहा। बुलमा ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या गोकू मारा गया। वजीटा कहता है, ज्यादा हैरान मत हो, अभी हमें बहुत काम करना है। बुलमा कहती है, पता है जब हम सबकी एनर्जी हमारे शरीर से जा रही थी तब हमें कैसा लग रहा था। अब वजीटा गुस्से में कहता है, अब बस करो, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, अब ये मौत की बातें मेरे सामने मत करना। इसके बाद ट्रंक्स, क्रेलिन की बेटी और गोटेन वहां आ जाते हैं। ट्रंक्स काफी खुशी से कहता है, डैड आप वापस आ गए। वजीटा अब गोटेन को सीरियस फेस बनाकर देख रहा होता है। ट्रंक्स कहता है, मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। अब गोटेन भी खुश होकर कहता है, वजीटा मेरे डैड कहाँ हैं, वो नहीं आए क्या। वजीटा अब सीरियस फेस बनाकर गोटेन को देख रहा होता है। तभी बुलमा वजीटा को इशारा करती है। अब वजीटा स्माइल करता है और कहता है, बेटा तुम्हारे डैड बहुत ही जल्दी वापस आ जाएंगे। गोटेन पूछता है, मगर वो गए कहाँ। वजीटा कहता है, वो इस वक्त एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन पर हैं। जब वो आएंगे तो वो तुम्हें खुद बता देगा। बुलमा गोटेन से कहती है, जाओ गोटेन अपने मम्मी से कह दो गोकू बहुत ही जल्दी आने वाला है। तभी गोटेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, ये मैं ये न्यूज अभी मॉम को दूंगा। इसके बाद सीन चिची पर जाता है। चिची काफी उदास होकर गोकू को याद कर रही है। तभी गोटेन चिची को आवाज लगाता है और कहता है, मॉम मॉम बाहर आइए। इसके बाद चिची बाहर आती है और कहती है, क्या बात है गोटेन, आज तुम काफी खुश लग रहे हो। गोटेन कहता है, मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आप भी बहुत ही खुश हो जाओगी। चिची कहती है, भला ऐसी क्या बात है। गोटेन कहता है, ट्रंक्स के डैड आज वापस आ गए। चिची कहती है, क्या वजीटा अर्थ आ गया, तो गोकू कहाँ है। गोटेन बताता है, वजीटा ने मुझे ये बताया कि डैड काफी जल्दी यहाँ आने वाले हैं। ये सुनकर चिची काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन विश पर जाता है। विश कहता है, अच्छा हुआ सब ठीक हो गया। तभी हमें वहाँ बीरस दिखाई देता है और वो कहता है, विश इतनी देर तक तुम कहाँ थे। तभी विश बीरस को देखकर शॉक हो जाता है और वो इमोशनल हो जाता है। सीधा जाकर बीरस को गले लगा लेता है। विश कहता है, मुझे माफ कर देना लॉर्ड बीरस, मैं आपको वहाँ अकेले छोड़ कर गया। बीरस कहता है, ओ बस भी करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तभी विश स्माइल करता है और कहता है, ऐसी बात है क्या लॉर्ड बीरस, मैं तो बस चेक कर रहा था कि इमोशनल होने से क्या होता है। बीरस कहता है, हाँ हाँ मैं सब जानता हूँ, अब ये बताओ कि मेरे जाने के बाद यहाँ क्या क्या हुआ। विश कहता है, आपके जाते ही मैंने वजीटा को डिस्ट्रॉयर बना दिया। अब ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, क्या
तुमने वेजिटा को डिस्ट्रॉयर बना दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? विश स्माइल करके कहता है, तो मुझे ऐसा करना पड़ा वरना मैं भी मारा जाता। बीरस कहता है, अच्छा तो अपनी जान बचाने के लिए तुमने उसे डिस्ट्रॉयर बना दिया। इसके बाद डीन वेजिटा पर जाता है। वेजिटा कहता है, बुलमा हमें सुपर ड्रैगन बॉल को ढूंढने में कितना समय लगेगा? बुलमा कहती है, रडार में बहुत जल्दी सुपर ड्रैगन बॉल मिल जाएंगे, पर उनकी दूरी ज्यादा होने की वजह से समय तो लगेगा ही, क्योंकि मेरा स्पेसशिप इतना तेज नहीं उड़ पाएगा। वेजिटा कहता है, तुम मुझे वो रडार दे देना, मैं खुद सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढ लूंगा। बुलमा कहती है, ठीक है मैं रडार लाती हूँ। तब बुलमा अपने रडार को देखती है तो उसे पता चलता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन रडार में नहीं है। बुलमा ये बात वेजिटा को बता देती है, जिसे सुन के वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मगर सभी जिंदा हो गए थे? तो सुपर ड्रैगन बॉल्स भी वापिस आने चाहिए थे, अब मैं क्या करूंगा? गोटेन से जो मैंने कहा उसका क्या होगा? तभी वहाँ बीरस और विश आ जाते हैं। वेजिटा बीरस को देख के शॉक्ड हो जाता है और कहता है, लॉर्ड बीरस आप वापिस आ गए। बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, और मुझे तुमसे डिस्ट्रॉयर की पोजीशन के बारे में बात करनी है। अब बुलमा कहती है, विश अब तो लॉर्ड बीरस जिंदा हो गए, तो अब यहाँ का डिस्ट्रॉयर कौन होगा, बीरस या फिर वेजिटा? विश कहता है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। तभी वेजिटा कहता है, विश मैं चाहता हूँ कि तुम लॉर्ड बीरस को ही ये पोजीशन देना और मुझे फ्री कर दो। बीरस वेजिटा की ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, पहले तो मैं तुमसे ये पोजीशन लेने वाला था, मगर मैं तुम्हारी बात सुनकर काफी खुश हुआ, और विश ने मुझे बताया था कि तुमने किस तरह से लड़ाई को संभाला था और मेरी मौत का बदला भी तुमने लिया, तो मैं सोच रहा था कि ये पोजीशन तुम्हारे ही पास होनी चाहिए। वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है। बुलमा कहती है, इसका मतलब अब आप डिस्ट्रॉयर नहीं बनोगे? बीरस कहता है, नहीं। बुलमा ये सुनकर खुश हो जाती है। तभी विश कहता है, तो अब मुझे लॉर्ड वेजिटा के साथ हमेशा रहना पड़ेगा? वेजिटा कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लॉर्ड बीरस के साथ ही रहना होगा ताकि तुम उनका ख्याल रख सको। बीरस कहता है, ये बताओ कि गोकू कहाँ है? वेजिटा कहता है, अरे हाँ जरूरी बात बताना तो मैं भूल ही गया, दरअसल सुपर ड्रैगन बॉल्स की लोकेशन अभी भी शो नहीं हो रही है, लगता है वो वापिस नहीं आए। विश कहता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि मुझे तो उनकी एनर्जी सेंस हो रही है। वेजिटा कहता है, तो फिर वो है कहाँ? तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आता है और कहता है, तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। मैन कहता है, तुम्हें ड्रैगन बॉल ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। तभी वेजिटा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, आप यहाँ पर कैसे? बीरस कहता है, ये काका कौन है? विश थोड़ा सीरियस फेस बनाकर देखता है और मन में कहता है, इस बूढ़े इंसान को मैंने भले कभी नहीं देखा और ये शख्स दिख रहा है बूढ़ा, मगर इसके पास मुझसे भी ज्यादा ताकत है, और वेजिटा इसे कैसे जानता है? आखिर है कौन ये ओल्ड मैन? वेजिटा कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो जंगलों में रहते हो ना? बीरस पूछता, क्या तुम इस काका को जानते हो वेजिटा? विश कहता है, हाँ वेजिटा बताओ कौन है ये, इन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वेजिटा कहता है, ये वही मास्टर है जिन्होंने कैकरोट को कंबाइन टेक्निक सिखाई थी। बीरस कहता है, अच्छा तो ये है वो, मगर इसे देखकर लगता तो नहीं इसके पास इतनी शक्तियाँ होगी। तभी वो ओल्ड मैन बीरस की तरफ देखता है और वेजिटा को ये लगता है कि ओल्ड मैन को गुस्सा आने वाला है। तभी वेजिटा शॉक्ड होकर बीरस से कहता है, अरे नहीं नहीं इनमें बहुत ज्यादा ताकत है। अब वेजिटा ओल्ड मैन को समझाता है और कहता है, वो मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, ये बिल्ली जैसा दिखने वाला थोड़ा पागल है इसलिए इसने ऐसा कहा। तभी बीरस विश से पूछता है, विश ये वेजिटा इस काका की चमचागिरी क्यों कर रहा है? विश कहता है, मैं भी ये सोच रहा हूँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, ओए वेजिटा जरा यहाँ आओ। अब वेजिटा बीरस के पास आता है। बीरस पूछता है, तुम इस काका की चमचागिरी क्यों कर रहे हो? वेजिटा बीरस को धीमी आवाज में कहता है, वो लॉर्ड बीरस क्या बात है कि बेचारा बूढ़ा हो गया है और इस वजह से मैं इसके रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और बेचारे की उम्र ही कितनी बची है, आप भी थोड़ा मेरा साथ दीजिए।
बीरस स्माइल करके कहता है, और ऐसा क्या? ठीक है। अब वो ओल्ड मैन पूछता है, तो तुम एक डिस्ट्रॉयर हो, लेकिन तुम दिखने में एक बिल्ले जैसे हो। अब बीरस बाहर से तो स्माइल करता है, मगर अंदर से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मन में कहता है, ये काका मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकता है? मन तो करता है इसे यहीं पर इरेज कर दूं। तभी बीरस हंस के कहता है, काफी अच्छा मजाक करते हो काका। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अब डिस्ट्रॉयर नहीं रहा, अब मेरी जगह वजीटा ने ले ली है। वैसे मुझे पता नहीं था कि आप इतने बूढ़े होकर भी मजाक कर लेते हो। तभी ओल्ड मैन मन में बड़े गुस्से में कहता है, ये बार बार मुझे बुड्ढा कह रहा है, इसे पता नहीं कि ये बस एक ह्यूमन कॉस्ट्यूम है। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो इसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी। तभी ओल्ड मैन शांत होकर बीर से कहता है, तुम भी बड़ा मजाक कर लेते हो। वजीटा इन दोनों की बातें हैरान होकर सुन रहा होता है। अब विश वजीटा को हैरान होते हुए देख लेता है। विश मन में कहता है, वजीटा की शक्ल देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी विश उस ओल्ड मैन से कहता है, तो आप कुछ कह रहे थे कि हमें अब ड्रैगन बॉल्स की जरूरत नहीं होगी, तो आप ऐसा क्यों कह रहे थे? ओल्ड मैन कहता है, क्योंकि उन्हें मैंने पहले से ही ढूंढ कर रखा हुआ है। अब ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और वजीटा भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बीरस कहता है, ये बुड्ढा कैसे ड्रैगन बॉल ढूंढ सकता है? वजीटा कहता है, सुपर ड्रैगन बॉल तो अभी एक्टिवेट हुए थे, तो इन्होंने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया? विश कहता है, तो मेरा शक सही निकला, ये कोई आम इंसान नहीं है। बीरस कहता है, विश ये काका है कौन? विश कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मगर इनके अंदर मुझसे भी ज्यादा ताकत सेंस हो रही है। बीरस ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मजाक कर रहे हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? वजीटा कहता है, आप लोग शांत हो जाओ, सबसे जरूरी बात तो यह है कि हमें कैकरोट को जिंदा करना है, तो मुझे लगता है कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। विश कहता है, सही कहा आपने लॉर्ड वजीटा। वजीटा कहता है, तो काका जी चलिए शुरू हो जाइए। ओल्ड मैन कहता है, क्या शुरू हो जाइए, मैं यहाँ पर सुपर जनरोन को नहीं बुला सकता, अगर बुलाया तो अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है। बीरस कहता है, इसे तो काफी जानकारी है। विश कहता है, हाँ माय लॉर्ड। बीरस कहता है, तो ठीक है काका जी, आप जैसे चाहें जहाँ चाहें शेनरन को बुला सकते हो। ओल्ड मैन कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं तुम्हें सुपर ड्रैगन बॉल्स का पता बता देता हूँ, वहाँ जाकर उनका इस्तेमाल कर लेना। बीरस गुस्से में कहता है, विश इस काका में कितना ज्यादा घमंड है। इसके बाद सीन जैनो पर जाता है। जैनो कहते हैं, नहीं हम नहीं आएंगे आपके साथ। किंग जैनो कहता है, जिद मत करो, तुमने देखा नहीं कि यहाँ कितना खतरा था, और हम लोग मरकर वापस जिंदा हुए हैं, इसका मतलब तुम जानते हो कि हमें भी मारा जा सकता है, तो यहाँ हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। जैनो कहता है, हम आपके साथ नहीं जाएंगे, और इसकी क्या गारंटी है कि खतरा वहाँ नहीं आ सकता? हमें जानना है कि हम वापस कैसे आए और वो डाई कहाँ गया। किंग जैनो कहता है, जैनो जिद मत करो। तभी वहाँ पर वेडोस आ जाती है। वेडोस कहती है, हेलो किंग जैनो। किंग जैनो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम कौन हो, क्या तुम भी इविल एंजल हो? जैनो कहता है, ये विश की बहन वेडोस है और ये इविल नहीं है। किंग जैनो कहता है, अच्छा। वेडोस कहती है, हाँ और मैं यहाँ आपके सवालों का जवाब देने आई हूँ। जैनो कहता है, हाँ वेडोस बताओ, क्योंकि हमें कुछ भी याद नहीं है। वेडोस कहती है, जैनो सामा, इस मुसीबत से हमें यूनिवर्स 7 के सेन गोकू ने बाहर निकाला है, और उसी ने पूरे मल्टीवर्स को वापस से जिंदा किया है। जैनो अब खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, गोकू ने हमें बचाया, देखा डैड, उस सेन गोकू ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। किंग जैनो कहता है, हाँ वो वाकई में तारीफ के काबिल है, एंजल वो सेन इस वक्त कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। जैनो कहता है, हाँ वेडोस मुझे भी उससे मिलना है। वेडोस कहती है, एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगी जैनो सामा, गोकू इस वक्त जिंदा नहीं है। किंग जैनो कहता है, क्या कह रही हो तुम? जैनो भी कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे?
रही हो? वेडोस कहती है, हाँ जैनोसामा, लड़ाई के वक्त वो मारे गए थे, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, हम लोग उन्हें वापस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैनो कहता है, हाँ उसे जल्द से जल्द वापस लाओ और फिर हम उससे मिलेंगे। किंग जैनो कहता है, मिलना तो मुझे भी था, मगर दूसरी टाइमलाइन मेरा वेट कर रही है, मुझे वहाँ जाना होगा। तो ठीक है जैनो, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और मैं यहाँ तुमसे मिलने आता रहूँगा। जैनो कहता है, ठीक है डैड, आप जाइए। किंग जैनो कहता है, अब तुम दोनों समझदार हो गए हो तो शरारत मत करना, ठीक है? जैनो कहता है, ठीक है डैड। इसके बाद किंग जैनो वहाँ से चले जाता है। वेडोस कहती है, तो ठीक है जैनो सामा, अब मुझे भी चलना चाहिए। जैनो कहता है, हाँ ठीक है जाओ और उसे जिंदा जरूर कर देना। इसके बाद वेडोस भी वहाँ से चली जाती है। अब सीन विश और बीरस पर जाता है और वो दोनों सुपर ड्रैगन बॉल के पास जा रहे होते हैं। बीरस पूछता है, और कितना दूर जाना पड़ेगा विश? विश कहता है, बस पहुँच ही गए माय लॉर्ड। बीरस कहता है, क्या तुम्हारी स्पीड कम हो चुकी है? विच कहता है, अगर आपको परेशानी हो रही है तो आपने सुपर ड्रैगन बॉल्स के पास जाने का फैसला क्यों लिया लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। होते हैं, बीरस कहता है, तुम कितना बोलते हो विश? विश कहता है, मैं जानना चाहता हूँ लॉर्ड बीरस कि आपने खुद जाने की तकलीफ क्यों करी। अब बीरस थोड़ा सोचता है और सीन फ्लैशबैक में जाता है। ओल्ड मैन कहता है, तो तुम में से कौन जाएगा सुपर ड्रैगन बॉल्स के पास? वेजिटा कहता है, मैं जाऊंगा और कैकरोट को लेकर आऊंगा। अब बुलमा थोड़ी सैड हो जाती है। तभी बीरस बीच में कहता है, नहीं तुम वहां नहीं जाओगे। विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, वहां मैं जाऊंगा। वेजिटा पूछता है, वहाँ जाने की कोई खास वजह लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, नहीं ऐसी कोई खास वजह नहीं है, मैं सोच रहा था कि तुम इतने दिन बाद यहाँ आए हो तो अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ, पता नहीं यहाँ कब क्या हो जाए और तुम्हें फिर से हमारे साथ आना पड़े। वेजिटा कहता है, पर लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, नहीं ये मेरा ऑर्डर है वेजिटा, तुम ये समझ लो कि तुम स्पेशल मिशन के लिए बने हो, तो अभी रेस्ट करो, जब तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ये सुनकर बुलमा भी खुश हो जाती है। वेजिटा कहता है, ठीक है लॉर्ड बीरस, जैसा आप चाहो। बीरस वेजिटा से पूछता है, मुझे एक बात बताओ वेजिटा, अब तो तुम न्यू डिस्ट्रॉयर बन गए हो तो तुम मेरे ऑर्डर्स क्यों मान रहे हो? तुम चाहो तो अपने भी चला सकते हो। तभी वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस मेरी जिंदगी में आज तक कोई ऐसा नहीं था जो मेरा मास्टर बना हो, जिसने मुझे सिखाया हो, तो आप ही मेरे वो मास्टर हो जिसने मुझे ऐसी ट्रेनिंग दी है जिससे मेरी प्राइड को कभी भी ठेस नहीं पहुंची और ना ही मुझे आपसे सीखने में कोई शर्म महसूस हुई। बीरस अब स्माइल करता है और कहता है, मुझे तुम पर गर्व है वेजिटा, मुझे यकीन है कि तुम अब आगे जाकर नंबर वन डिस्ट्रॉयर बनोगे। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। विश कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप कुछ सोच रहे हो क्या? बीरस कहता है, हाँ विश, मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद है कि मैं खुद गोकू को अर्थ ले जाना चाहता हूँ। विश, ये मॉर्टल्स भी कितने अजीबो गरीब होते हैं ना? विश पूछता है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, ये मोटर्स एक दूसरे के दुश्मन भी होते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, और सबसे बदकिस्मत मोटर्स होते हैं क्योंकि उन्हें एक ना एक दिन मरना होता है, मगर इनके पास इनकी फैमिली भी होती है जो इनकी जिंदगी को मजेदार बना देती है। इसके बाद सीन जाता है एक अंधेरी भरी दुनिया में। अब उस अंधेरे से कुकू की आवाज आती है और वो बहुत ही थकी हुई आवाज में कहता है, पानी, मुझे पानी पीना है। तभी हमें दिखाया जाता है गोकू जो कि बहुत सारी जंजीरों से बंधा हुआ होता है। गोकू बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और वो लगातार पानी मांग रहा होता है। ऐसा लगता है कि गोकू को कुछ नहीं पता, उसे कोई होश ही नहीं है कि वो कहां पर है, वो बस थका हुआ है, उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी है,
तभी गोकू को अचानक से होश आता है और वो खुद को जंजीरों में जकड़ा पाता है। गोकू जोर लगाकर कहता है, आह, ये मैं कहाँ हूँ? ये क्या है? मैं जंजीरों में बंधा क्यों हूँ? किसने मुझे बांधा है? खोलो मुझे, कोई है यहाँ पर? मुझे अपने घर जाना है। तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है इविल जालमा और वो हंस रहा होता है। अब गोकू उसे देखकर अपना पूरा जोर लगा देता है और खुद को छुड़वाने की कोशिश करता है, मगर गोकू ऐसा नहीं कर पाता। गोकू इविल जालमा से कहता है, कौन है, कौन है तू और मुझे ऐसे क्यों बांधा हुआ है? इविल जालमा कहता है, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम मुझे जान लोगे। तुम्हारी यही जगह है, तुम्हें यही रहना होगा। गोकू कहता है, तुम मुझे ऐसे बांध कर करना क्या चाहते हो? इविल जालमा कहता है, तू तो मेरा पावर बैंक है, तेरे पास वो शक्तियां है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकती, अब तू यही मेरी कैद में रहेगा। इसके बाद सीन क्रेलिन पर जाता है। क्रेलिन पिकोलो से कहता है, पिकोलो, हम वापस से जिंदा हो चुके हैं और मुझे वजीटा की सेंस हो रही है। पिकोलो कहता है, हाँ क्रेलिन, हमें भी वहाँ चलना चाहिए। तभी वहाँ पर वजीटा आ जाता है और कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब क्रेलिन वजीटा को देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है, वजीटा तुम ठीक तो हो ना? वजीटा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। पिकोलो कहता है, गोकू की क्या खबर है? वजीटा कहता है, उसे लॉर्ड बीरस सुपर ड्रैगन्स बॉल की मदद से वापस लेने गए हैं। पिकोलो ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या गोकू जिंदा नहीं है? वजीटा कहता है, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम उसे पहले जैसे वापस ले आएंगे। तभी वहाँ यामचा आता है और कहता है, ओह हाय वजीटा, कैसे हो तुम? वजीटा सीरियस फेस बनाकर यामचा को देख रहा होता है और कहता है, यामचा कहता है, तुम्हारी छोड़ो, ये बताओ बुलमा कैसी है? तभी वजीटा एकदम से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसे देखकर यामचा और क्रेलिन घबरा जाते हैं। वजीटा गुस्से में कहता है, तुम्हें उससे क्या मतलब है, वो ठीक हो या ना हो, मैं हूँ उसका ध्यान रखने के लिए। यामचा घबरा कर कहता है, मैं तो बस पूछ रहा था वजीटा। तभी वजीटा कहता है, नहीं तुम नहीं पूछ सकते, तुम्हें पूछने का कोई हक नहीं है, और अगर तुमने फिर से बुलमा के बारे में जानकारी ली तो मैं तुम्हें हकाई कर दूंगा। ये सुनकर यामचा बहुत शॉक्ड हो जाता है। क्रेलिन भी कहता है, तुम पागल हो गया यामचा, क्यों उसे परेशान करते हो? पिकोलो कहता है, ये बताओ वजीटा, तुम यहाँ किस काम से आए हो? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस कैकरोट को यहाँ लाते ही होंगे, तो तुम सब जी वॉरियर्स को बता देना कि कैकरोट अब वापस आ चुका है। क्रेलिन कहता है, हाँ सबसे पहले मैं ये खबर अपनी फैमिली को दूंगा। पिकोलो कहता है, और मैं ये न्यूज गोहान को दूंगा। तभी यामचा खुश होकर बोलने वाला होता है, मगर वजीटा को देखकर वो घबरा जाता है। वजीटा गुस्से में कहता है, हाँ हाँ बोल बोल। यामचा कहता है, नहीं मैं तो ये न्यूज मास्टर रोची को देने जाऊंगा। वजीटा कहता है, तुम अपनी औकात से बाहर मत आया करो। इसके बाद वजीटा वहाँ से चला जाता है। यामचा कहता है, आज तो बच गया मैं। इसके बाद सीन बीरस और विश पर जाता है। विश कहता है, वो देखे लॉर्ड बीरस सुपर ड्रैगन बॉल्स। बीरस कहता है, हाँ विश मुझे दिखाई दे रहा है, वो इतने बड़े जो हैं, तुम्हें पता है विश हम इन सुपर ड्रैगन बॉल्स के लिए कितनी मेहनत करते हैं, और आज हम एक मॉर्टल को जिंदा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। विश कहता है, आप भूल रहे हैं लॉर्ड बीरस कि इसी मोटल की वजह से आज आप और मैं जिंदा हैं। बीरस कहता है, हाँ तो चलो बुलाओ उस सुपर शेंड्रॉन को। कुछ घंटे बाद वजीटा कहता है, कहाँ रह गए ये दोनों? तभी वजीटा के मन में एक शक पैदा होता है और वो शॉक्ड होकर कहता है, कहीं लॉर्ड बीरस का मन तो नहीं बदल गया, कहीं उन्होंने कैकरोट की जगह अपने लिए विश तो नहीं मांग ली। तभी वहां पर गोकू आता है और कहता है, और क्या हाल है मेरे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन? वजीटा गोकू को देखकर स्माइल करता है, तो तुम वापस आ गए कैकरोट। बीरस कहता है, लो वजीटा तुम्हारा दोस्त वापस आ गया। गोकू कहता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, वजीटा मुझे याद कर रहा था क्या? वजीटा कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वजीटा कहता है,
तुम खुद को बहुत ही स्मार्ट समझते हो कैकरोट। गोकू कहता है, क्या बात है वेजिटा, मैंने क्या किया? वेजिटा कहता है, तुमने इतनी सारी टेक्निक सीख ली थी और मुझे बताया तक नहीं। गोकू कहता है, मुझे भी नहीं पता था वेजिटा ये टेक्निक मेरे पास कैसे आई। बीरस कहता है, ठीक है अब चुप करो तुम दोनों। विच, मैं क्या कह रहा था, क्या हमें जैनोसामा से मिलने जाना चाहिए क्या? विच कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे उनसे काम भी है। बीरस पूछता है, कैसा काम? विच कहता है, अब फादर तो रहे नहीं तो उनकी जगह कौन लेगा इसका पता करना है, और इस पोजीशन के लिए मैं पीछे नहीं हटने वाला। बीरस स्माइल करता है, अच्छा कुर्सी का लालच तुम में भी है। विश, हमें अब चलना चाहिए। विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, गुड लक गोकू और वेजिटा, अपना ध्यान रखना। इसके बाद बीरस और विश वहां से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम्हें भी अब अपने घर चले जाना चाहिए, तुम्हारी फैमिली तुम्हारा वेट कर रही होगी। गोकू कहता है, रुको वेजिटा, मुझे तुमसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकरोट, तुम काफी परेशान लग रहे हो। गोकू कहता है, वेजिटा मुझे नहीं लगता कि अभी खतरा टला है। वेजिटा सीरियस फेस बनाकर कहता है, कहना क्या चाहते हो कैकरोट? गोकू कहता है, मैंने इविल गोकू की पावर लेवल कम की थी और तुमने हाकाई का इस्तेमाल किया था, उसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं। वेजिटा कहता है, तो तुम्हें उस वक्त बिल्कुल भी दर्द या जलन महसूस नहीं हुई? गोकू कहता है, हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं कि मुझे दर्द हुआ भी था या नहीं। वेजिटा कहता है, ठीक है मगर तुम अब इस बात को खतरा कैसे कह सकते हो? गोकू कहता है, उसके बाद मुझे एक सपना आया। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है। गोकू कहता है, छोड़ो मुझे, मुझे तुमने ऐसे क्यों बांधा हुआ है? इविल जलमा कहता है, ये सब मेरी चाल थी, मुझे पता था कि तुम उस इविल गोकू को खत्म करने के चक्कर में खुद भी खत्म हो जाओगे। गोकू कहता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है मुझे यहाँ बांध कर रखने का? इविल जालमा कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें नहीं बांधा है, मैंने तुम्हारी विल पावर को, तुम्हारी सोल को बांधा हुआ है ताकि तुम अपनी उस ताकत का इस्तेमाल ना कर सको और मुझे ये ताकत मिल सके। रेडी हो जाओ सेयन, एक नया खतरा तुम्हारे यूनिवर्स की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद विश सुपर शेनलॉन्ग से विश मांग लेता है और गोकू उन्हें जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। बीरस कहता है, विश ये बंदा एकदम अलग है ना? विश कहता है, ऐसा क्यों लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है, बाकी सब जब जिंदा हुए तो होश में थे मगर ये तो सो रहा है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस आप एकदम सही कह रहे हो। तभी बीरस कहता है, ओए गोकू अब उठ भी जाओ। तभी इविल जालमा कहता है, जाओ तुम्हारे लोग तुम्हें बुला रहे हैं, ये मत भूलना कि तुम्हारी सारी पावर्स अब लोक हो चुकी है क्योंकि तुम्हारी विल पावर लोक हो चुकी है। इसके बाद गोकू एकदम से उठ जाता है। बीरस कहता है, क्या बात है गोकू, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? विश कहता है, मुझे लगता है गोकू ने कोई डरावना सपना देख लिया है लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, अरे लॉर्ड बीरस, विश आप दोनों यहाँ। बीरस कहता है, ये हमारे साथ मजाक कर रहा है क्या? विश इसे पता नहीं कि इसे हमने ही रिवाइव किया है। विश कहता है, क्या बात है गोकू, तुम जिंदा होकर खुश नहीं हुए? अब गोकू मन में सोचता है, शायद ये मेरा एक पूरा सपना था। अब गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस, विश आप दोनों से दोबारा मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। बीरस कहता है, ये फेक स्माइल कर रहा है ना विश? विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम्हारी बातें मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, तुम कह रहे हो कि अभी खतरा टला नहीं है और फिर तुम कह रहे हो कि वो एक सपना था, तुम मुझे पागल कर दोगे। गोकू कहता है, तुम ही तो कहते हो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता और अब बता रहा हूँ तो तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। वेजिटा कहता है, तो इसके बारे में तुमने विश को कुछ बताया क्या? गोकू कहता है, नहीं वेजिटा मैंने अभी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। वेजिटा कहता है, तो पहले तुम इसे खुद पक्का कंफर्म कर लो, इसके बाद तुम इस पर बात करना। गोकू कहता है,
वजीटा, मुझे तो लगता है कि ये सच्चाई है, कोई सपना नहीं, वजीटा अब गुस्से में कहता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि कोई तुम्हारी खोपड़ी में छुपकर बैठा हुआ है और तुम पर अपने ऑर्डर मार रहा है? गोकू कहता है, नहीं वजीटा, उसने मुझसे कहा था कि खतरा हमारी तरफ तेजी से आ रहा है। वजीटा कहता है, ठीक है ठीक है, अभी तुम घर जाओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। गोकू कहता है, ओके वजीटा, मगर इस बारे में हम बात जरूर करेंगे। इसके बाद सीन विश और बीरस पर जाता है। बीरस कहता है, क्या कहा? गोकू के पास ऐसी ताकत है जो कि किंग जैनो और ग्रैंड प्रिंस से भी ज्यादा ताकतवर है। विश कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, लेकिन अगर उसके पास इतनी ताकत है तो फिर सुपर जेनरल ने उसे जिंदा कैसे कर दिया? विच कहता है, ये तो मैं भी शुरू से सोच रहा हूँ, शायद गोकू के पास अब वो शक्तियाँ ना हो जिससे उसने एविल एंजल को मारा था। बीरस कहता है, हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे तो वो नॉर्मल ही लगा। विच कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, मुझे गोकू में वो की सेंस नहीं हुई, बल्कि इस बार वो थोड़ा कमजोर सा लग रहा था। बीरस कहता है, कमजोर मतलब? विच कहता है, कमजोर मतलब जैसे कि उसके पास अल्ट्रा इंस्टिंग सुपर गोड ब्लू नहीं हो, यहाँ तक कि उसके पास उसके सेन शक्ति भी ना हो। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी विच, क्योंकि वही एक सेन है जिसने इतनी शक्ति हासिल कर ली हो। विच कहता है, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो लॉर्ड बीरस, उसने ये पावर बड़ी मेहनत से हासिल करी है। बीरस कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसे इस बात का पता होगा क्या विश? विश कहता है, मुझे तो नहीं लगता लॉर्ड बीरस कि उसे पता होगा। बीरस कहता है, ये और एक नई मुसीबत है। खैर छोड़ो, ये बताओ जेनोसामा के पास कब जाना है? विश कहता है, लॉर्ड बीरस वहाँ मुझे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ तो सभी एंजल्स होंगे। बीरस कहता है, ठीक है मगर पीछे मत रह जाना, वो पोजीशन हमारी ही होनी चाहिए। विश कहता है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है, जाओ अब। इसके बाद विश वहां से चला जाता है और सीधा जाता है जैनो के पैलेस में। अब वहां जैनो के पैलेस में बाकी के एंजल्स मौजूद रहते हैं और जैनो कहता है, तुम सभी यहां किस लिए आए हो? वेडोस कहती है, जैनो सामा, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि फादर अब नहीं रहे, तो अब उनकी पोजीशन किसे मिलेगी? जैनो कहता है, मैंने तो अभी इस बारे में सोचा तक नहीं और तुम लोग इतनी जल्दी आ गए। तभी मोहितो बोलता है, सोचना क्या है जैनो सामा, आप ये पोजीशन मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपके लिए काम कर सकूं। अब मार्गरिटा बीच में बोलती है, तुम्हें क्यों? तुमने ऐसा क्या कर दिया? ये पोजीशन तुम्हें नहीं मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ही समझदार हूँ और मेरे बनाए प्लान हमेशा वर्क करते हैं। वेडोस कहती है, लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ समझदारी काम नहीं आती, ताकत भी उतनी ही जरूरी है। जैनो कहता है, तुम सब ये क्या बोल रहे हो? मैंने अभी तक नहीं सोचा कि किसे वो पोजीशन मिलनी चाहिए। तभी वहाँ पर विश आ जाता है और कहता है, आप सभी जैनो सामा को परेशान क्यों कर रहे हो? जैनो कहता है, विश तुम भी यहाँ पोजीशन के लिए आए हो। विश कहता है, मुझे पता था जैनो सामा, फादर की पोजीशन के लिए ये सभी आने वाले हैं, तो मैं आपको एक एडवाइस देने आया हूँ। जैनो पूछता है, कैसी एडवाइस विश? विश बोलता है, अगर आप हम में से किसी को फादर की पोजीशन देते हो तो मल्टीवर्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। जैनो पूछता है, वो कैसे? विच कहता है, अगर आप किसी को भी फादर की पोजीशन दोगे तो उस यूनिवर्स के एंजल को आपके साथ रहना होगा, और फिर उस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर के पास एंजल नहीं रहेगा, तो इस तरह से बैलेंस खराब हो जाएगा। जैनो कहता है, हाँ विच तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो मैंने सोच लिया है कि अब डाई की पोजीशन कोई और ही लेगा। तुम सभी अपने यूनिवर्स लौट जाओ और अपना काम वैसे ही करना जैसे पहले करते थे, और सभी मल्टीवर्स में ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, और अभी मल्टीवर्स में ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है जिसमें हमें डाई की जरूरत हो, तो चलो जाओ अपने अपने यूनिवर्स में। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैनो के कहने का मतलब है कि अब उसका कोई रोल नहीं है और अब स्टोरी अलग लेवल पर जाएगी, तो कल जरूर आना क्योंकि अगला पार्ट होगा वजीटा बना डेविल।